हेलो प्रिय, नमस्कार। बेस्ट रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो आज हम सूजी का गुलाब जामुन बनाएंगे, बिना खोआ बिना मावा से, और बहुत स्पॉन्जी बहुत रसीला बन के तैयार हो जाएगा आपको। तो कैसे बनाएंगे आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और मेरा रेसिपी आपको कैसा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने चूल्हा पर पतीला चढ़ा दिए हैं, वहाँ पर हमने एक कटोरी ले लिए हैं चीनी। तो चीनी लगभग हम 200 ग्राम लिए हैं। तो जिस कटोरी से हम चीनी लिए हैं वही कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डाल दिए। तो हमने पानी डाल के इसको चाशनी बना लेंगे। यहीं पर हम 2 इलायची 3 इलायची डाल दिए हैं। अगर पास पाउडर हो तो पाउडर डाल दीजिए, इलायची पाउडर, और नहीं तो गुलाब जल का पानी हो तो वो डाल दीजिए। हम इलायची डाल के बनाएंगे। तो ज़्यादा चाशनी हम ताड़ वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो चाशनी मेरा बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, लगभग इसमें हम 300 ग्राम के करीब में हमने दूध डाल दिए। 300 साढ़े 300 ग्राम के करीब में दूध डाले हैं। इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। तो इसमें हम पहले रख देंगे 1 से 1.5 चम्मच हमने घी रख दिए हैं। घी के अच्छे तरह से हम इसको मिला लेंगे, उसके बाद हम सूजी डालेंगे। तो सूजी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे एक बार, तो क्या होगा कि आपका गुठली पड़ जाएगा बैटर में और लम्सी पड़ जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा बन नहीं पाएगा आपका सूजी का बैटर, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और सूजी आपको मोटी वाली नहीं लेनी है। आपके पास अगर मोटी वाली सूजी है तो आप मिक्सी मशीन में उसको ग्राइंड कर लीजिए, फाइन पेस्ट बना लीजिए। अगर मीडियम वाली है तो चलेगी। तो इसको क्या किया, हमको अच्छे तरह से मिक्स कर लिए हैं, और हमने क्या किया कि करछुल से इसको मिक्स किया अच्छे तरह से। तो करछुल से अच्छे तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं। तो अच्छे तरह से मिक्स हो गया है, देखिए बैटर मेरा बन के रेडी हो गया है। बस 2 चीज़ें से हम बनाए हैं गुलाब जामुन सूजी का, बहुत रसीला बहुत स्पंजी बन के रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे को अच्छे तरह से मिला लेंगे डो को। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाले हैं, तो सारे डो हम मिला लिए। एक एक करके गोली हम बना लेंगे। तो आपको जितना साइज चाहिए छोटा बड़ा वो अपने अनुसार से कर सकते हैं। तो आपको खास ध्यान देना कि हथेली जो होती है उससे आपको अथी करके बना लेना है, उसको बीच में रख के। इसी तरह से सारे हम गुलाब जामुन बना के रेडी कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे। तो सूजी से गुलाब जामुन ज़रूर बना के ट्राई कीजिए एक बार घर पर, बहुत अच्छा बनेगा। कभी भी आपको मन करे तो बना के खा सकते। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन हम बना लिए हैं। यहाँ पर हमने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिए थे। तो एक एक करके हम सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। तो हम सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे, हमको चम्मच के मदद से धीरे धीरे इसको हम हिलाएंगे, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं, अपना ही हिलाइएगा। इसको छोड़ दीजिएगा तो सारा अंदर से चिपक जाएगा और जलने लगेगा। तो खास आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि फ्राई करते समय इसको चारों बगल से चम्मच की मदद से हिलाना होगा, और उसके बाद जब हल्का हल्का लाल हो जाएगा तो गैस को कम कर दीजिएगा। तो गैस को लो कर दीजिएगा, लो करके ही इसको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज करके फ्राई कीजिएगा तो जलने लगेगा, इसलिए लो करके फ्राई कीजिए। यहाँ पर हम चाशनी में डाल दिए। तो चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। इसी तरह से सारे हम फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। तो दोबारा भी हम सारे इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं, और चाशनी में हम इसको भी डाल देते हैं। तो इसी तरह से बनाइएगा, आपको ज़रूर अच्छा परफेक्ट बनेगा गुलाब जामुन। तो सारे गुलाब जामुन हम डाल दिए, देखने के कितना सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, जैसा हमने चाहा वैसा कलर आया है। तो सारे गुलाब जामुन के इसी तरह से हमने डाल दिए। तो आप इसे ठंडे हो जाए तो आप इसके लिए फ्रिज में 2-3 घंटा के लिए रख सकते हैं आराम से,
ठंडी हो जाएगी तो आप खा सकते हैं निकाल के। तो हमने लगभग हमने आधा घंटा तक के लिए इसको रख दिए हैं। आधा घंटा के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कितना अच्छा रसीला बन के मेरा रेडी हो गया है गुलाब जामुन। अब बिल्कुल स्पॉन्जी बना है, एकदम फुला फुला सा बना है। इसको हम और देरी तक रखेंगे तो और स्पॉन्जी हो जाएगा। तो ज़्यादा देर हम नहीं रखे हैं, आधे घंटे रखे हैं बस। देखिए कितना सुंदर गुलाब जामुन मेरा बन के रेडी हो गया, कलर भी बहुत सुंदर आया है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो चलिए हम एक काट के आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक हमने रसगुल्ला ले लिए, देखिए कितना अच्छा कट रहा है, बिल्कुल स्पॉन्जी बना है और रसीला भी बना है। इसको आप जितना देर रखिएगा उतना देर इस सारे रस इसमें रसगुल्ले में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो बिल्कुल इतना खाने में सॉफ्ट लगता है खाने में। अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।